कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश। बरसों पुराने कब्रिस्तान में कब्र खोदने गए लोगों पर कुछ अराजक तत्वों ने महिलाओं के साथ मिलकर कब्र खोद रहे लोगों को धमकाया और कब्र खोदने से रोका। दबंगों ने कब्रिस्तान में कब्रों में आलू व कूड़ा गोबर डालकर कब्रों के निशान को मिटाया। दबंग मनीष यादव पुत्र आशाराम यादव ग्राम धीरपुर का कहना है कि वह कब्रिस्तान की जमीन उसकी है, जबकि बरसों पुरानी कब्रिस्तान में कई पुरानी कब्रें मौजूद हैं। कब्रिस्तान में कब्र के निशान मिटाने की कोशिश मनीष यादव व उसके परिजन शहीद आए दिन की जाती है। पूरा मामला विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र का। कन्नौज ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर। आपका हमारा नाम राशिद। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये अवैध कब्जा लोगों ने कर रखा है कब्रिस्तान पे। जब तक हमारा बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, जब तक अपने बाप को यहाँ पे दफन नहीं होने देंगे। आप मृतक के पिता वो लड़के हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, कौन रोक रहा है? ये कब्रिस्तान के सामने इनके मकान बने हुए हैं मंदिर के बराबर में। अच्छा, ये लोग रोक रहे हैं? ये लोग रोक रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इनके बाप को यहाँ पे लगाने नहीं देंगे। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? जी मेरा नाम सलमान बारसी, विष्णुगढ़ जनपद कन्नौज के निवासी हूँ मैं। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि हमारा ये कब्रिस्तान सर जो है, आप देख रहे हैं सर, बरसों पुराना, लगभग 250-300 साल पुराना सर कब्रिस्तान है ये। और सर कुछ दबंग लोगों जो है फर्जी कागज़ वगैरह बना लिए, वो बता रही है सर हमारा नाम पट्टा है, बनाना वो दिखा रहा और पूरी कागज वो दिखा नहीं पा रहा। क्या नाम है जो दिखा रहे कब्जा? मनीष कुछ नाम करके बता रहे हैं, आसाराम मनीष। अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक विवाह की स्थिति आई थी, ये कि कोई व्यक्ति मृतक हो गया था जो मुस्लिम समुदाय से है, उसको दफनाने को लेकर के यहाँ वह हिंदू में और एक मुस्लिम व्यक्ति के बीच में यहाँ पर विवाद था। यहाँ मौके पर आया हूँ, कब्र पूरा देख लिया गया है और अभी जहाँ पर परंपरागत रूप से होता रहा है अभी वहीं पर दफनाया जा रहा है। इसके अलावा इन लोगों की जो समस्या है कि हमारा डिमार्केशन करके उसको चिन्हित कर दिया जाए, उसके लिए एक रेवेन्यू टीम लगा दी गई है और रेवेन्यू टीम पूरा डिमार्केशन करके दोनों पक्षों के बीच में बैठ करके सुलह समझौते के आधार पर तथा हमारे राजस्व लेखों के आधार पर उसका सर स्थिति देख क्या लग रहा है? यहाँ पुराना कब्रिस्तान लग रहा था क्या? अभी यहाँ पर स्थिति को देख करके अभी कुछ निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होता है। हमारा जो अभिलेख है उसके आधार पर जो तथ्यात्मक निष्कर्ष निकलेंगे उसके आधार पर। पुरानी सर कब्रें हैं यहाँ मौजूद? पुरानी कब्रें यहाँ के जो गाँव वासी है वहीं पर बता सकते हैं यहाँ कितने पुराने हैं, क्या परम्पराएं रही, क्या रीति रिवाज रहा।